ब्रिंदा ऑनलाइन क्लासेस पर मैं आप सभी का फिर स्वागत करती हूं। आज हम NVS TGT SST में भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल का एक पार्ट हमने डाल दिया, दूसरे में कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बचा हुआ जिसको हम पूरा करा दे रहे हैं। संसाधन के प्रकार चैप्टर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार दो होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे चट्टाने, धातुएं। समाप्त के आधार पर दो प्रकार के होते हैं संसाधन, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। नवीनीकरण योग्य जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। अनवीनीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन इत्यादि। के बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक सामुत्य वाले संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में गांव में भूमि, निजी भूमि, बाग, चारागाह, तालाब तथा कुओं का जल इत्यादि आता है। और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वो होते हैं गांव के चारण भूमि, तालाब, नगर में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सब सामुदायिक स्वामित्व। यहाँ पे इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन में देश की सड़कें, नहरें, रेल लाइनें इत्यादि आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्र मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। रियो डी जेनेरो, जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत 1952 में हुई। भू निम्नीकरण की मानव क्रिया, भू निम्नीकरण जो होता है उसमें कौन कौन सी मानव क्रियाएं होती हैं, वनोन्मूलन, अति पशुचारण और खनन। वनों के काटने से भू निम्नीकरण, अति पशुचारण अत्यधिक पशुओं के चराई से और खनन से होता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। भूमि खराब होने के उत्तरदायी पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई है। मृदा बनने के मुख्य कारक उच्चावच, जनक सैर अथवा संस्तर सैर, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ। सबसे इम्पॉर्टेंट समय मुख्य कारक होता है मृदा बनने के लिए। जलोढ़ मृदा के प्रकार, पुराना जलोढ़ बांगर कहलाता है और नया जलोढ़ खादर कहलाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथि की मात्रा ज्यादा होती है और खादर मृदा में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है और जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है। काली मृदा, काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित होती है। लाल और पीली मृदा, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा वाले भाग में पाई जाती है। लाल पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पहाड़ी भाग पर पाई जाती है। लेटेराइट, लेटेराइट ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की कुछ पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा पर चाय काफी उगाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा रेतीली और लवणीय होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। लौह अयस्क और नवीनीकरण संसाधन है। सीढ़ीदार कृषि की जाती है उत्तराखंड में। ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, इसमें दो गलियारे प्रस्तावित हैं।
प्रथम गलियारा में उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और दूसरा गलियारा है पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 सबसे बड़ा हाईवे NH7 है, वह बनारस को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक दूरी मार्ग NH1 के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क परियोजना 2000 ईस्वी में शुरू की गई। सीमांत सड़कें वे होती हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में बनी हुई सड़कें पहाड़ इत्यादि। भारत आकार स्थिति, ये भी एक चैप्टर है आप लोग के कोर्स में ही था। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 3214 किलोमीटर 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक फैला है तथा 29033 किलोमीटर 29033 किलोमीटर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक है। 22 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है। 22 डिग्री 30 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। गोंडवाना भूमि प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतत का प्राचीन भाग है। यह अग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली पहाड़ियों एवं घाटियों से बना है। हिमालय के ऊंचे शिखर, ये जरूर पूछता है हर साल, ज्यादातर एग्जाम में पूछा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, कॉमेट पर्वत भारत में है, नामचा बरवा भारत में है, गुरुला मंधाता नेपाल में। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। पीर पंजाल सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक कहा जाता है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब प्रसिद्ध दून है। सतलज तथा काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ये 2016 में आया है कि कुमाऊं हिमालय किसे कहा जाता है, तो सतलज तथा काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली तथा तीस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता तथा दिहांग के बीच असम हिमालय कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। हिमालय की जो सबसे पूर्वी सीमा है वह ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय है जहाँ लोग निवास करते हैं। दो नदियों के बीच का भाग पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज द्वारा बनाए गए पंजाब के मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। गंगा का मैदान घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, कल NVS के एग्जाम के बाद हम आर्मी पब्लिक स्कूल में जो TGT और PGT रिक्वायरमेंट आया है उसमें TGT हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ेंगे। आर्मी का पेपर तो इंग्लिश में आता है लेकिन इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और हिंदी में ही उसको पढ़ेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा आता है। और अगर TGT SST में आप भरते हैं तो हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री आता है, उसमें पॉलिटी वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ हिस्ट्री का ही पेपर आता है। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए कल के बेस्ट ऑफ लक।